गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे आप सब? अपना ध्यान रखा करो। आज 10 पॉजिटिव केस मिले हैं कोरोना के सब्जी मंडी बहादुरगढ़ में, ठीक है? तो अपने आप को सेफ रखो। 10 मिले हैं, उनकी फैमिली होगी, कितनी ज़्यादा है आपको पता है, चेन कितनी लंबी खिंच जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या रहना है, घर रहना और सेफ रहना। दो काम करने हैं खाली, एक तो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, दूसरा अपना ध्यान रखना है, अपने साथ साथ अपने छोटे बहन भाइयों का सबका ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट वीडियो के अंदर हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक डाइपोल। डाइपोल समझ आता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, उतना ही दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, बताया था ना, ठीक है? कि नेगेटिव चार्ज जितना क्यू और पॉजिटिव चार्ज क्यू, सेंटर से दूरी कितनी एल, सेंटर से दूरी कितनी एल। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या देखा था, इसको क्या बोला था, डाइपोल बोला था कि दो चार्ज मिलके उनके बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। क्या बनाते हैं? डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट, इसकी इफेक्टिवनेस, कितना मूव करेगा ये, कितना घूमेगा, ठीक है? इसकी इफेक्टिवनेस को हमने किससे डिनोट किया था, डाइपोल मूवमेंट पी से, किसे डिनोट किया था, पी से। पी का फॉर्मूला क्या था, क्यू। क्यू मतलब आइदर चार्ज, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, एक चार्ज पर क्यू इंटू टू एल। 2L means L plus में L, 2L separation इनका। तो dipole moment की direction क्या थी, negative to positive। अब पहला केस हमने क्या किया था बेटा, कि हम देख रहे थे क्या dipole, हमने पढ़ा था एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आप बोले होती है, फील्ड की डायरेक्शन पता है ना, कहां बनाई थी, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर बनाई थी। क्लियर है? पॉजिटिव से आउटवर्ड। अगर मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या बोले, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है? अब मैं कहूंगी तो सिंगल चार्ज की बात थी, अब हम बोले कि क्या डाइपोल जो होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो हम बोले बिल्कुल बनाता है। तो हमने क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, सबसे पहला पॉइंट कहां कंसीडर किया हमने, ये पॉइंट कहां कंसीडर किया, डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर। डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और हमने क्या देखी वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केस हम कर चुके, हमने कितनी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बताना कितनी आई थी, 2p / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ध्यान से बेटा रटते मान लिया करो फाइनल रिजल्ट के। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे पास डाइपोल है, पहले पॉइंट कहां लाई करने लग रहा था, फर्स्ट केस के अंदर पॉइंट कहां लाई कर रहा था, एक्सियल पॉइंट के ऊपर, एक्सियल इसकी एक्सिस के अलोंग, एक्सियल पॉइंट। सेकंड केस क्या है कि जो डाइपोल है ना इसके इक्वेटोरियल के ऊपर कहां लाई करेगा पॉइंट, हम कहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां देखेंगे। क्लियर है बात, ये पॉइंट जो एक्सियल पे था कहां गया, इक्वेटोरियल के ऊपर, परपेंडिकुलर सेंटर के। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग मैंने इस पे नहीं डाल रखी, हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है बात, ठीक है? कहां ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, ध्यान से मैंने पहले डायग्राम बना रखा है, आपको कंसंट्रेशन करनी है किस चीज के ऊपर, ये हमारा डाइपोल है, ध्यान से देखो, अब समझ लेना, डायग्राम समझ आते ही कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डायग्राम समझना आपको। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया, इनके बीच में क्या है, एल, एल डाइपोल बन गया यहाँ पे, माइनस और प्लस चार्ज, सेपरेशन कितना 2L दिख रहा है आपको, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। अगर मैं कहूं डाइपोल की डायरेक्शन तो आपको पता नहीं क्या बोलोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? पहला केस क्या था हमारा, हमने क्या बना दिया, डाइपोल कंसिडर कर लिया, माइनस प्लस सेपरेशन, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस टू प्लस। क्लियर है? ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब पॉइंट कहां लाई कर रहा है इसके, ये रहा पी पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। पहले हमने कहां कंसीडर किया था, एक्सियल, ठीक है, और अब कहां मान ले इस पॉइंट को, इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, इसकी पोजीशन कहां है, इक्वेटोरियल के ऊपर। अब देखो ध्यान से, यहां हमने पी पॉइंट के ऊपर यूनिट चार्ज कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहां इस पी पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब कंसीडर किया, हमें क्या निकालनी है, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसके कारण निकालनी है, डाइपोल के कारण, किसके कारण निकालनी है, डाइपोल के कारण। क्लियर है? अब पॉजिटिव है, ध्यान से देखना किस चीज को, पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये बात तो समझ आती है ना आपको, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, सेंटर से लेके माइनस की दूरी एल, सेंटर से लेके प्लस की दूरी एल, पी पॉइंट से लेके सेंटर की दूरी, ध्यान से देख लेना बेटा, थोड़ा सा अच्छे से साफ सुथरा बड़ा डायग्राम बना ना अपने नोटबुक के अंदर, पी पॉइंट से लेके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, आर, कितनी है, ये स्मॉल आर लिख रखा है, कितनी है, आर। क्लियर है?
इक्वाटोरियल पॉइंट के ऊपर है एक पी, तो उस केस में आप क्या देखोगे, ये एंगल कितने फॉर्म करने लग रहा है थीटा, कितने एंगल फॉर्म करने लग रहा है आपने थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पी पॉइंट के साथ एंगल कितना फॉर्म करने लग रहा है डाइपोल के साथ, ये थीटा एंगल फॉर्म करने लग रहा है। मेरा कहने का मतलब एल एल आर एंगल कितने है थीटा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एल है ये आर है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो आराम से, किसका यूज करोगे, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। आर स्क्वायर पाइथागोरस का यूज कर लो, ये प्लस में एल स्क्वायर अंडर रूट, समझाते हैं हमने क्या निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिए। ये हमारे पास क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्लियर है बात। सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमने क्या करा, ए यहां पे इसकी पावर कितनी कर दी, 1/2 कर दी, मतलब हमारे पास क्या आ गई, तीनों लेंथ पता हमें, ये लेंथ आर है सॉरी एल है, ये लेंथ स्मॉल आर है, और ये लेंथ कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, एल आर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, क्लियर है बेटा, ठीक है, समझ आया कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने। तो अब आपको क्या कंसेंट्रेशन करना है, अब हम निकालते हैं पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्या निकालेंगे पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जहां फोर्स लगेगा, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर कहां फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो आप क्या बताओगे, जो पॉजिटिव के कारण जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, अपवर्ड आएगी, क्लियर है। नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, समझाती है बात, देखना ध्यान से, ये पहले ही बना रखा है पर ध्यान से स्टेप बाय चलते जाना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई E1, E2 और E1, क्लियर है, ठीक है, E2 पॉजिटिव के कारण, E1 नेगेटिव के कारण, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना जाएगा थीटा, लगा दो, कौन सी मैथ्स की प्रॉपर्टी लगा दी हमने, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी मैथ्स की, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, एक ऑपोजिट एंगल हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या बताएंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आपको पता है कि जब भी कोई इंक्लाइंड चीज है तो उसके हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट करते हैं, इंक्लाइंड के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। E1 है, इसके रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, E1 के दो कंपोनेंट निकालो, ये E1 है, E1 के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, E1 के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस, तो ये कंपोनेंट कौन सा बन गया E1 का, E1 कोस थीटा, दूसरे वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, E1 साइन थीटा, समझ आया बेटा, क्या E1 के दो कंपोनेंट बनेंगे, इंक्लाइंड है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है कोस वाला, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है साइन, ठीक है। अब हमारे पास E1 के दो कंपोनेंट आ गए, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा, क्लियर है। ऐसे ही अब देखो जो E2 है, E2 भी इंक्लाइंड है, इसके भी तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लिए हमने, इसके भी क्या कर लिए, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के, तो देखना थीटा के साथ वाला कौन सा बन जाएगा E2 cos थीटा, और ये कौन सा बन जाएगा E2 sin थीटा, ये बात समझ रहे थे, E2 का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा बन गया E2 cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बन गया E2 sin थीटा। बेटा डायग्राम ही है, अगर ये आ गया तो इस कैलकुलेशन में तो कुछ भी नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या चीज देखनी है, ध्यान से देखो, कंसेंट्रेट किस चीज पे करोगे बेटा, याद देखो हमने क्या चीज करी थी, डाइपोल इक्वाटोरियल पॉइंट, ठीक है, उसके बाद एल आर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों हाइपोटेन्यूज आ गए, E1 के दो कंपोनेंट करे और E2 के दो कंपोनेंट करे, ये काम किया, क्लियर है बात, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना, फॉर्मूला आपको पता है फील्ड का, 1/4 pi epsilon naught q / r² 1/4 pi epsilon naught q / r² आर की वैल्यू है कितनी, हाइपोटेन्यूज है, आर की वैल्यू है कितनी, हाइपोटेन्यूज है, तो कितना जाएगा r² + l² की पावर 1/2,
R square, यहाँ थोड़ा सा एक बार फोकस करना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 1/4 pi, यहाँ हम पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो फॉर्मूला 1/4 pi epsilon not q by r square होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, r, ये दूरी डिस्टेंस को बोलते हैं ना, r हमने क्या क्या करना है, इस r का स्क्वायर करना है, जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास तो यहाँ सीधा कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ आई है बेटा, क्योंकि ये तो r की वैल्यू हमें चाहिए क्या, यहाँ पे r स्क्वायर चाहिए, r हमारे पास ये r का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू, तो क्या बोले 1/4 pi epsilon not q by r square। अब q by में r square, r square की वैल्यू दोबारा देखो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है कितना, दोबारा हाइपोटेन्यूज आ गया, दोबारा हाइपोटेन्यूज आ गया, तो दोबारा क्या आ गया, ये हमारे पास r, दोबारा इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ r square plus में l square। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्लस चार्ज के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस चार्ज के कारण। अब एक चीज देखो ध्यान से बेटा, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, ऑब्वियसली बात है, क्यों, क्योंकि सारी वैल्यू तो हमारे पास सेम है, देखना जरा, यही एल, यही एल, यही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, यही दिस, यही आर है, क्लियर है बात, तो सारी वैल्यू तो हमारे पास है, कैसी कैलकुलेशन, सेम है। तो चाहे आप, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूंगा, डायरेक्शन अलग है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, देखो E1 के केस में ये डायरेक्शन है, E2 के केस में ये है, पर जब अगर हम मैग्नीट्यूड, देखो मोड का रखा है, वेक्टर का मोड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चलने लगे, तो आप क्या बोलोगे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी उतनी किसके कारण है, नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन कैसी है, बट अलग है, पर मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो दोनों का कैसा है, सेम है, उसको हमने क्या लिख दिया, E। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब हम प्लस Q और माइनस Q की जगह मैग्नीट्यूड के केस में क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा E लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जितना E1 E2 की जगह E लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, ये E1 sin थीटा और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या, E2 sin थीटा, मैं इसको E sin थीटा और E sin थीटा लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, E1 E2 किसके बराबर है, E के बराबर, तो हमने क्या लिखा, E sin theta, और ये क्या बन जाएगा, E sin theta, एक E sin theta downward, एक E sin theta upward, ये दोनों क्या कर देंगे, दूसरे को cancel out कर देंगे, क्या करेंगे, दूसरे के effect को cancel out, इसका मतलब इस point के ऊपर sin के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, साइन कंपोनेंट के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो आप बोलोगे क्या करने लग रही है, साइन वाली कैंसिल आउट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, साइन के कारण नहीं होगी, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, E1 का भी कौन सा कंपोनेंट, cos, E2 का भी कौन सा कंपोनेंट, cos, तो दोनों के कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में बढ़ने लग रही है, दोनों के कारण फील्ड एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, आपको पता है ना E1 E2 जो है किसके बराबर, E के बराबर ही है, तो मैं इसको E cos थीटा और E cos थीटा लिख सकता हूं, पहला E cos थीटा, दूसरा भी E cos थीटा, तो नेट कितना आ गया, वेक्टर है, तो वेक्टर के केस में क्या बोलोगे, E cos थीटा, E cos थीटा, तो नेट कितना आ गया, 2E cos थीटा, ये बात समझ आ रही है, कि नेट फील्ड इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, E sin थीटा ऑफ 2 कैंसल्ड आउट, क्या करने लग रहे हैं, दोनों फील्ड के E sin थीटा को क्या करने लग रहे हैं, दूसरे को कैंसिल आउट, ठीक है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, कोस कंपोनेंट के कारण, दोनों के कोस कंपोनेंट के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया बेटा, कंसंट्रेशन कर लेना इस चीज के ऊपर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट किसके बराबर आ जाएगी, 2E cos थीटा, पता है ना E1 E2 की जगह E लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, ऐड कर दिया 2E cos थीटा, हमारे पास क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E cos थीटा। अब देखो 2 E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कितनी, कोई भी पुट कर दो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 pi epsilon not q by r square plus l square, क्लियर है बेटा, हमने क्या किया 2E cos थीटा, 2E इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी उठा के रख दो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का कैसा है, सेम है, 2E E की वैल्यू क्यू बाय में दिस आ गई, अगला क्या आ गया cos थीटा, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास cos थीटा, अब cos थीटा की वैल्यू बताओ मेरे को, cos थीटा ये रहा हमारा थीटा, थीटा का फॉर्मूला होता cos का, cos थीटा फॉर्मूला होता क्या है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, क्लियर है, cos थीटा का फॉर्मूला होता क्या, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 2E
पुट कर दिया कोस थीटा, कोस थीटा बेस एल बाई में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर 1/2। यहां बेटा हमने आर का स्क्वायर कंसीडर करना था, पर यहां हमने सिर्फ कितना लिया है ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है, इसलिए पावर कितनी आ जाएगी 1/2 टू ई कोस थीटा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 2QL किसका फॉर्मूला होता है, डायपोल मोमेंट, पता है ना आपको किसका फॉर्मूला होता है, हमारा डायपोल मोमेंट का, कल से चार्ज इनटू में पढ़ा था ना, आइदर चार्ज इनटू में 2L इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। तो 2QL की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते, अच्छा 2QL अपॉन में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो टोटल नेट कितनी बन जाएगी बेटा हमारे पास, ये 1 और 1/2 कितनी आ जाएगी पावर 3/2 आ जाएगी। तो 2QL बाय में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 क्लियर है, इज इक्वल टू 2QL को हमने क्या लिख दिया p 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ध्यान से, वही कंडीशन लगा दो, इफ r इज कैसा है बहुत ज्यादा लार्ज है इससे l से, r की वैल्यू कैसी है ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर कहां है, ये पॉइंट जो ये है इक्वेटोरियल वाला कहां है, r की वैल्यू कैसे बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू l, l से जब बहुत ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे l को हम क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं फिर। क्लियर है? तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, e net इज इक्वल टू 1/4πε0 p बाय में, ये क्या बन जाएगा बेटा एल स्क्वायर को क्या कर दो नेगलेक्ट कर दो, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/2, आर स्क्वायर की 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो नीचे कितना आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा, कितना जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। ये हमने क्या निकाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के ऊपर एक्सियल पॉइंट लाई कर रहा था, वहां में क्या निकाली है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, वो किसके बराबर आएगी 1/4πε0 p / में r क्यूब। अब एक चीज जो सबसे मेन है इसके अंदर ध्यान रखने लायक वो क्या है, आगे रिजल्ट एक्सियल लाइन का रिजल्ट क्या था देखना बेटा, एक्सियल का भी नोटबुक में देखो क्या है 2π/4πε0 r क्यूब है, और इक्वेटोरियल का रिजल्ट क्या है p / में। क्लियर है बात, वहां क्या है 2p और इक्वेटोरियल के ऊपर कितना है p है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे को एक बात बताना बेटा कि यहां मेरे को डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या है डायपोल मूवमेंट p की डायरेक्शन, तो आप बोले नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है बात? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो ये दिखने लग रही है आपको, तो ये हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन थी डायपोल मोमेंट की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो जब पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी हमेशा, इस पॉइंट को यहां कंसीडर करो यहां करो, पर इक्वेटोरियल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, चाहे यहां करो चाहे यहां करो, पर ध्यान रखना जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी ना उससे ऑपोजिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये इसका रट्टा मारना है, ये कंसेप्ट तो हमारे सिंपल से है। ठीक है, अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि हमने पढ़ा एक्सियल, हमने पढ़ा इक्वाटोरियल, अब हम पढ़ेंगे इसका जनरल केस, क्या पढ़ेंगे इसका जनरल केस। उससे पहले एक चीज देखो ध्यान से बेटा, क्या कि अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास क्या है डाइपोल माइनस क्यू प्लस का क्यू, ये एल, ये एल पॉइंट अलाई कर रहा था एक्सियल लाइन के ऊपर, ये पॉइंट अलाई करने लग रहा है इक्वाटोरियल के ऊपर। क्लियर है बात? डाइपोल के कारण, ड्यू टू डाइपोल एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, एक्सियल के ऊपर, एक्सियल के ऊपर आप क्या बोलोगे 2p बाय में 4πε0 r क्यूब। मैं कहूं कि इक्वाटोरियल के ऊपर बताना, किसके ऊपर, इक्वाटोरियल के ऊपर, एक बार हमने एक्सियल के ऊपर निकाली, ये था फॉर्मूला इक्वाटोरियल के ऊपर निकालना, इक्वाटोरियल के ऊपर आप क्या बोले p अपॉन 4πε0 r क्यूब कैंसिल। क्लियर है बात? ठीक है, पी से पी क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब जब पॉइंट कहां लाई करेगा एक्सियल पॉइंट पे, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी ट्वाइस ऑफ जब पॉइंट कहां लाई करेगा इक्वाटोरियल पे। ये रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर बताओ एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनते हैं इक्वाटोरियल पे, तो आप क्या बताओगे
एक्सियल के ऊपर, क्लियर है बात? ठीक है, कितनी बनती है? ट्वाइस बनती है इक्वाटोरियल के, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एक सबसे मेन चीज, एक सबसे मेन चीज क्या, जब पॉइंट लाइन करेगा एक्सियल के ऊपर, जो हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी नेट फील्ड होगी, क्लियर है बात? वही हमारी नेट फील्ड की डायरेक्शन होगी, ध्यान है ना आपको कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ज्यादा इफेक्ट पॉजिटिव का था, नेगेटिव दूर है तो कम इफेक्ट इसका था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गई थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गई थी, क्लियर है? और जब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल के ऊपर, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेट फील्ड की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना बेटा, चाहे मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये हमारा किस का हो गया टॉपिक बेटा, हमने क्या निकाला है कि डाइपोल के कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ठीक है, क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। थर्ड एंड लास्ट केस हम किसका करेंगे, जनरल पॉइंट का, बट टाइम देख लो बेटा, कोई बात नहीं। हाँ तो थोड़ा सा अब आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, तो एक बार जनरल पॉइंट को हम जल्दी से करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज इंक्लाइंड है, ये पी इंक्लाइंड है, एंगल थीटा बन रहा है, तो किसके इंक्लाइंड चीज के कितने कंपोनेंट बनते हैं, दो, थीटा के साथ वाला कौन सा होगा, पता है आपको, पी कोस थीटा, टेन स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं, और दूसरा कौन सा होगा, पी साइन थीटा, पता है ना, इससे पहले भी हमने केस कि इंक्लाइंड चीज के दो कंपोनेंट बनेंगे, रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट, तो जो थीटा के साथ वाला होगा वो कौन सा होगा, कोस, और दूसरा कौन सा होगा, साइन। सपोज करो मैं कह दूं पी है और ये एंगल थीटा, थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट, कोस, और ये कौन सा, साइन, हमेशा ध्यान रखना है, तो सिंपल सा है, ठीक है। अब मैं आपको कह दूं कि मेरे को इस पी को इंक्लाइंड बनाना है, पी को इंक्लाइंड बनाना है, क्लियर है बात, पी को क्या करना है, इंक्लाइन, और आपको दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन दिखने लग रही है, आप क्या करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना दो, क्या बना दो, दो पी इंक्लाइंड हो गया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर मैं कह दूं ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, देखो यहां तो मैंने इंक्लाइंड ऐसे बना रखा था पी, अब मैं सीधी लाइन को इंक्लाइंड मान रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या बोले, हमें तो रेक्टेंगुलर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दो कंपोनेंट के बीच में, थीटा के साथ थोड़ा ये कंपोनेंट कौन सा बन गया, पी कोस थीटा, और ये कौन सा बन गया, पी साइन थीटा, क्लियर है बेटा। ये चीज मैंने क्यों बताई है, अब बताता हूं आपको, रब कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, हमेशा थीटा के साथ थोड़ा कौन सा बनेगा, कोस, जरूरी नहीं कि इंक्लाइंड ही हो, अगर ऐसी लाइन दे रखी है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना ले, जिसके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, बना देना, ठीक है। अब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जनरल पॉइंट की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा, आप जनरल पॉइंट, ये हमारे पास क्या एक डाइपोल है, ठीक है। बेटा मैं डायग्राम के ऊपर ही ज्यादा फोकस करूंगा, बुक से कर लेना इसको, ये हमारे पास क्या डाइपोल, माइनस क्यू, और ये हमारे पास कितना आ गया, प्लस का क्यू, ये कौन सा पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया, और ये लेंथ कितनी आ गई दोनों की, एल आ गई, क्लियर है। एक पॉइंट है हमारा, ये क्या है, कोई पॉइंट एम, ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट हमारे पास पी आ गया, क्लियर है, ठीक है। ये सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर है, आर के ऊपर, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, एक जनरल पॉइंट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण किस पे निकालने हैं, जनरल पॉइंट के ऊपर, क्लियर है बात। अब हमने थर्ड केस किसका ले लिया, जनरल पॉइंट, फर्स्ट केस एक्सियल, सेकंड इक्वाटोरियल, थर्ड कोई भी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो उस केस में ये जो जनरल पॉइंट है, ये हमारा डाइपोल के साथ कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है, थीटा, कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है, थीटा एंगल फॉर्म करने लग रहा है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, पी है, दिखने लग रहा है सबको, ये हमारे पास क्या है, पी, पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेंटर, ये सारी चीजें, क्लियर है। अब हमें निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, ड्यू टू दिस डाइपोल। एक चीज देखो ध्यान से, क्या चीज देखो ध्यान से, कि अगर मैं कह दूं ये पी है, ये क्या है, पी, ठीक है, इसके दो आपको क्या निकालने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने हैं, तो आप बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना दिए पी के, ये हमारे पास क्या था, पी था, नेगेटिव टू पॉजिटिव पी है। अब ये पी, अभी ध्यान है मैंने बना के दिखाया था पी, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये थीटा था तो ये कौन सा बन गया था, पी कोस, और ये कौन सा बन गया था, पी साइन थीटा, समझ रही है बात। ये हमारा पी है,
थीटा के साथ बड़ा कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, तो ये कंपोनेंट कौन सा है, पी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा बन गया, पी साइन थीटा। समझ आया कि मैं क्यों समझा रहा था इन चीजों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कौन सा बन गया पी कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बन गया पी साइन थीटा। पी के दो कंपोनेंट हो गए, पी कोस थीटा एंड पी साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से बिल्कुल, अब मैं बात करूंगा पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, पी नहीं, इसका नाम को छोड़ ले दो फिर, ठीक है, इसका नाम रख दो एन पॉइंट, ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, एन पॉइंट रख दिया। एन पॉइंट के कारण हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एन के ऊपर हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, क्लियर है। अब सबसे पहले बताओ कि पी के कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, पी कोस थीटा एंड पी साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना, ये एन पी कोस थीटा के कैसे लाई करने लग रहा है, पी कोस थीटा के कैसे लाई कर रहा है, या हमारे पास डाइपोल मोमेंट कौन सी है, कौन सा कंपोनेंट है, पी कोस थीटा, और ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, एन कौन सी पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एक्सियल के ऊपर, किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्सियल के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर एक्सियल के ऊपर लाई करने लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता आपको, ये अगर मैं कहूं पी कोस थीटा के कारण ये एन कैसे लाई कर रहा है, तो आप बोले सर ये तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो हम बोले चलो ठीक है निकाल दो फिर, आप बोले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कोस थीटा, एक्सियल के ऊपर लाई करने लग रहा है ये पॉइंट एन, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस कंपोनेंट के कारण, पी कोस थीटा के कारण, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मूला क्या है, 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube। अब एक चीज ध्यान से देखो, 2p पर यहां पे हमें पता, हम p की बात नहीं कर रहे, हम p की बात नहीं कर रहे, कौन सा कंपोनेंट है, p cos थीटा, ध्यान रखना हम p की बात नहीं कर रहे, किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, p cos थीटा की, by में r cube, बाय में आर क्यूब। आई होप के समझ आ गया, क्या चीज कह रहा हूं मैं, कि हमने क्या किया, इस पी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, क्लियर है बात, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं, जब पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर, पी को थीटा के एक्सियल लाइन पे कर रहा है ये, क्लियर है बात, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, जो डाइपोल की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ गई, एक्सियल पॉइंट के कारण आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एन पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा था, इस पी कोस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा कंपोनेंट है, पी साइन थीटा, पी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, इस कंपोनेंट के का कोऑर्डिनेट तो ये कहां आ रहा था, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल पॉइंट बन रहा था, और अगर मैं इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कहूंगा तो आप क्या बोलोगे, भाई पी साइन थीटा के तो ये कहां आ रहा है, परपेंडिकुलर आने लग रहा है, इक्वाटोरियल के ऊपर आने लग रहा है, क्लियर है बात। तो जब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए मैं इनके ऊपर, किसके कारण, पी साइन थीटा के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पी साइन थीटा के कारण निकालो, तो आप क्या बोलोगे सर, ई पी साइन थीटा के ऊपर तो ये एन पॉइंट किसकी तरह ट्रीट करने लग रहा है, इक्वाटोरियल की तरह ट्रीट करने लग रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, चलो इक्वाटोरियल का लगा दो, बोले ठीक है, हमने क्या फॉर्मूला बनानी है, 1/4 pi epsilon naught, ठीक है। अब जब अभी हमने पढ़ा इससे लास्ट टॉपिक की इक्वाटोरियल का, इक्वाटोरियल के केस में आपने क्या पढ़ा है, पी, ठीक है, पी बाय में आर क्यूब पड़ा है, पर यहां हमें पता है पी कौन सा है, पी साइन थीटा है, तो क्या रहेगा, पी साइन थीटा बाय में आर क्यूब, क्लियर है बात। हम क्या निकाल रहे हैं, एन पॉइंट के ऊपर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। एक चीज देखो ध्यान से, अब पी साइन थीटा बाय में आर क्यूब, डाइपोल की डायरेक्शन कौन सा, डाइपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, उससे अपोजिट होगी, ये बात समझ आ रही है, जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इक्वाटोरियल के केस में, मैं इस चीज के ऊपर स्ट्रेस भी दे रहा था अभी, जो इक्वाटोरियल के केस में डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे अपोजिट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ई इक्वाटोरियल, क्लियर है बात, ठीक है, ये एक्सियल ये इक्वाटोरियल, पहले इतना बताओ समझ आ गया, क्या चीज है, ध्यान से देखो, पी के दो कंपोनेंट, पी कोस एंड पी साइन, कोस के अकॉर्डिंग तो कहां रहा था, एक्सियल लाइन पे, हमने निकाल दिया, साइन के अकॉर्डिंग किस पे आ रहा, इक्वाटोरियल के ऊपर, हमने वैल्यू लिख दी और डायरेक्शन बता दी, क्लियर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है, वेक्टर है,
तो क्या एक पॉइंट के ऊपर दो फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है? तो आप क्या बोलोगे, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी तो एक ही सिंगल डायरेक्शन होगी। अगर सिंगल डायरेक्शन होगी तो आप देखने लग रहे हो, आप क्या, कौन सा लो बनने लग रहा है, हमारा पैरेललोग्राम लो बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन एक ही है, एक पॉइंट के ऊपर एक ही निकलेगी, रिजल्टेंट कौन देगा इसका, डायगनल। क्लियर है बात, कौन देगा इसका, डायगनल देगा। तो क्या ड्रॉ कर दो यहाँ पे पैरेललोग्राम, और यहां हमने क्या कर दिया इसका, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट, पता है ना एक पॉइंट के ऊपर दो तो फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट कौन देगा, डायगनल। क्लियर है ना, पैरेललोग्राम लो है? तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, एक ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते थे, तो आप क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ऐसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का क्या मतलब है, हम किसको मान ले, एक्सियल को मान ले, ठीक है, एक्सियल की वैल्यू बताना कितनी है, ए स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कोस थीटा बाय में आर क्यूब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बाय में आर क्यूब का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल, थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल था, एंगल है कितना 90 डिग्री, कितना एंगल है 90, कोस 90 कितना 0, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज 90 एंड cos 90 इज 0, तो हमारे पास तीसरी टर्म तो क्या जाएगी 2ab cos थीटा वाली 0 बन जाएगी, तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट टाइम। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 1/4 नॉट पी बाय में आर क्यूब तो बारह जाएगा, क्या आ गया बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय में आर क्यूब, स्क्वायर है ना, रूट से क्या आ गया 12 आ गया, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ध्यान से देखो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया कि यहां कितना बचेगा 2 कोस थीटा। क्लियर है बात, 2 कोस थीटा का स्क्वायर बचेगा, तो ये कितना बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाय आर क्यूब तो आ गया बाहर, अंदर कितना रह गया सिर्फ साइन थीटा का स्क्वायर, तो उसके इसमें कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 कोस स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बात समझ आ रही है, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका रीजन क्या, बड़े तो 4 कोस स्क्वायर थीटा ही जाएगा, लेकिन हमने इसको 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि इसको लिखोगे जब 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या देख रहे हो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय में आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इसको हमने क्या लिख दिया 1, ये हमारे पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है, इसके ऊपर जनरल पॉइंट के ऊपर किसके बराबर आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय में आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे जनरल पॉइंट के ऊपर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको कर रहा हूं, ये बात समझ आई है ना, 4 cos square theta को क्या लिखा है 3 cos square theta plus में cos square theta plus में sin square theta, sin square plus cos square कितना आ गया 1, और ये क्या था 3 cos square theta, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया जनरल पॉइंट आ गया। अब जनरल पॉइंट का मतलब समझ आता है कि जनरल पॉइंट वो पॉइंट है जिससे आप कोई भी कंडीशन निकाल सकते हो, जिससे आप कोई भी कंडीशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ये पॉइंट कालाई करने लग रहा था इक्वाटोरियल के ऊपर, कालाई कर रहा था इक्वाटोरियल के ऊपर, तो ये थीटा एंगल कितना बन जाएगा 90। मैं कह दूं ये एन पॉइंट कालाई कर रहा था इक्वाटोरियल के ऊपर, तो ये एंगल कितना बन गया 90, वैल्यू पुट करना, कोस 90 इज 0, कोस 90 0 तो पूरी टर्म क्या बन गई 0, देखना कितना जाएगा रिजल्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन पी बाय आर क्यूब, और यही हमारी किसकी कंडीशन थी इक्वाटोरियल की। अब दोबारा देखो इस पॉइंट को अगर मैं कह दूं एक्सियल के ऊपर लाई कर रहा था, कालाई कर रहा था एक्सियल के ऊपर, तो थीटा कितना बन जाएगा 0, तो थीटा कितना बन जाएगा 0, कोस 0
वन, कोस जीरो वन, कोस जीरो वन से कितना बन गया थ्री प्लस वन फोर बन गया, फोर बन गया अंडर रूट फोर मतलब कितना आ गया टू, क्लियर है बात। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा टू पी पाई बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये बात समझ आते हैं भाई कौन सी कंडीशन हमारी एचसीएल की। तो जनरल पॉइंट का क्या मतलब है, तो हम दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं। आई होप के बेटा आपको समझ आ गया होगा हमने क्या निकाला है। अच्छा ये चीज समझ आ गई सारी की सारी, ध्यान रखना पी के दो कंपोनेंट कर लिए ठीक है, कोस के अकॉर्डिंग तो एन आ रहा है एक्सियल के ऊपर और साइन के अकॉर्डिंग पी साइन के अकॉर्डिंग आ रहा है ये इक्वाटोरियल के ऊपर, तो हमने फील्ड निकाली और नेट निकाल दिया क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती एक ही होगी, हमने क्या लगा दिया हमारा कंसेप्ट लगा दिया वेक्टर वाला, क्लियर है बात ठीक है। पैंडोग्राम रो के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया था वो लगा दिया और रिजल्ट हमारा ये आ गया, यहां से हमें पता दोनों कंडीशन मिल गई हमारी एक्सियल की भी और इक्वाटोरियल की भी, क्लियर कर दो बेटा इसको। अब बेटा एक चीज का और ध्यान रखना आपको बस लास्ट, इस चीज का ध्यान रखना है कि जनरल पॉइंट के ऊपर अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, डायरेक्शन का क्या बताओगे कि सपोज करो ये हमारा जो रिजल्टेंट है ना ये एंगल कितना फॉर्म करने लग रहा है अल्फा, कोस वाली एक्सियल लाइन के साथ जो रिजल्टेंट है कितना एंगल फॉर्म करने लग रहा है अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आप किसका फॉर्मूला लगा दोगे, हमें तो क्या चाहिए हमें डायरेक्शन चाहिए, तो हम क्या बोले टेंजेंट अल्फा बताओ, तो आप क्या बोले परपेंडिकुलर बाय में बेस, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है क्या परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये परपेंडिकुलर वाला है कौन सा इक्वाटोरियल वाला है, कौन सा है इक्वाटोरियल वाला है, और बेस कौन सा हमारा एक्सियल वाला है, क्लियर है भाई। मैं कह रहा हूं टेंजेंट अल्फा निकालो, क्या निकालना हमें टेंजेंट अल्फा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब किसकी बात कर रहा है वो इक्वाटोरियल की बात करने लग रहा है और बेस हमारा कौन सा है एक्सियल है, तो उस केस में जब आप फॉर्मूला लिखोगे इक्वाटोरियल आएगा ऊपर और एक्सियल आएगा नीचे, तो कितना बन जाएगा वन बाय टू टेंजेंट थीटा, भाई वैल्यू पुट करके दिखाऊं, वैल्यू पुट करोगे तो ऊपर कौन सी आ जाएगी, ऊपर कौन आएगा इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल की वैल्यू पुट करना कितनी आ गई थी, इक्वाटोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बाय में आर क्यूब टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय में बेस, बेस एक्सियल, एक्सियल का मतलब वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी कोस थीटा बाय में आर क्यूब, कैंसिल हो गए सारे के सारे आर क्यूब पी से पी, साइन बाय कोस कितना जाएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वन बाय टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, हमारे पास कितना आ गया टेंजेंट थीटा, तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास अल्फा टेंजेंट अल्फा कितना आ गया वन बाय टू टेंजेंट थीटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये टेंजेंट इनवर्स वन बाय टू टेंजेंट थीटा, क्लियर है बात, ये हमारे पास किसकी बात होगी डायरेक्शन की बात होगी ठीक है, रिजल्टेंट के डायरेक्शन हमारे पास ये थीटा वगैरह की बात होगी तो हम इनको वैल्यू को निकाल लेंगे ठीक है। तो ये हमारा केस सारा का सारा किसका था, डाइपोल था, हमने फील्ड निकालनी थी पहले निकाली डाइपोल के कारण क्या फील्ड बनती है बिल्कुल बनती है, एक्सियल के ऊपर निकाली इक्वाटोरियल के ऊपर निकाली जनरल पॉइंट के ऊपर निकाली, ये सारा का सारा कंसेप्ट था बेटा। आपका कोई भी डाउट हो वो आप पूछ लेना, पर एक चीज सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है क्या कि एक्सियल के ऊपर जो डायरेक्शन कौन सी होती है, एक सेकंड टाइम और देख लू, हाँ एक्सियल पॉइंट के ऊपर सेम डायरेक्शन होती है, इक्वाटोरियल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है ना उससे ऑपोजिट। एक छोटा सा केस और बता दूं मैं आपको, क्या छोटा सा केस बता दूं कि ऐसे मत सोचना ये हमारे पास क्या है डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सबको पता है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, अगर मैं कह दूं कि इक्वाटोरियल के ऊपर पॉइंट लाई करने लग रहा है इक्वाटोरियल के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्शन कैसी आगी, जो डाइपोल मूवमेंट की फील्ड की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट आ गई, क्लियर है फील्ड की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट आ गई। अगर इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहां रख लिया तो बताओ मेरे को फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर है बात, हम ये भी कौन सा इक्वाटोरियल पॉइंट ही है पर ये कहां था ऊपर था ये कहां गया नीचे, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है बात, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या दो फील्ड बनेगी नहीं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक पॉइंट के ऊपर क्या दो फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो आप क्या बोलोगे रिजल्टेंट,
ये बात समझ आ रही है क्या? जो डाइपोल की डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है हमेशा उससे ऑपोजिट। यहाँ भी यही केस था ना हमारा, अभी हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल का, क्लियर है बात? तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा डाइपोल से ऑपोजिट होगी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ किसकी बात करूं, माइनस क्यू प्लस क्यू बन गया डाइपोल। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो भी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अगर इस पॉइंट को हमने यहां कंसिडर कर लिया, नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। मतलब नेगेटिव के कारण फील्ड की डायरेक्शन जे और पॉजिटिव के कारण फील्ड की डायरेक्शन जे। नेगेटिव की दूरी कैसी है? कम है डिस्टेंस। पॉजिटिव का डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा। तो पॉजिटिव के कारण फील्ड कैसी बनेगी? वीक। और नेगेटिव के कारण फील्ड कैसी बनेगी? स्ट्रॉन्ग। तो रिजल्टेंट फील्ड कैसी बनेगी? इसी डायरेक्शन में। तो इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट एक्स इक्वेटोरियल के ऊपर कहीं भी लाई करे पर डाइपोल मूवमेंट से उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट ही होगी। एक्सियल के ऊपर कहीं भी लाई करे पॉइंट, ठीक है, डाइपोल के, पर जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तीनों पॉइंट आपको समझ आने चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैं इसके आपको क्या दूंगा? न्यूमेरिकल, इसका होमवर्क दूंगा, उसके जो डाउट हो वो पूछा करो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, काफी अच्छा है बेटा, ठीक है, क्योंकि हमारे दो पार्ट के अंदर एक मेन कंसेप्ट है इसका। ओके बेटा, ध्यान रखना अपना, सेफ रहना, बाय।